हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो बेटा, मैं आपको यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th की। ठीक है जी, 12th क्लास अकाउंट्स में आपको टीच कर रहा हूँ। एंड आपके लिए मैं फ़िलहाल लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का फुल रिवीजन, फुल विद कंसेप्ट रिवीजन। हालांकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस तो देखो नहीं करके बता नहीं सकने वाला, आपके एग्ज़ाम्स जल्दी आ जाएंगे CBSE के और HBSC के भी और बाकी अदर बोर्ड्स के भी। सो जो क्लास 12th का चैप्टर 2 है, हमें ये पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पार्टनरशिप के लिए, और पार्टनरशिप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें चैप्टर 2 का कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। ठीक है जी, सो मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है जी, सो चैप्टर 2 का हमारा नाम क्या है बेटा। चैप्टर 2 का नाम है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चैप्टर 2 चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहाँ पे बेटा मैं PSR बोलूँगा। सो आप समझ जाना PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है जी। तो बेटा हमें कौन कौन से कंसेप्ट देखो इसके अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम फ्लो समझते हैं चैप्टर का। ठीक है जी, सबसे पहले पढ़ना है जी हमें सेक्रीफाइस एंड गेन फाइंड आउट करना। सर, हाउ टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस एंड गेन। सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकाले, क्या होता है सर सेक्रीफाइस और गेन, वो भी देखें। ठीक है जी, उसके बाद जो कंसेप्ट आपको जरूरी हो जाता है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, गुडविल की वैल्यूएशन करना। तीसरा कंसेप्ट हो जाता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप मैनेज कर लेंगे आई होप। ठीक है जी, इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं सर, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें पढ़ने का जुनून दिल में होगा, सॉरी इस तरफ, तो हम पढ़ेंगे। वेरी गुड सर। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया सर। उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, उसके बाद मैं आपको 7 एनिमीज के बारे में बताऊंगा। 7 एनिमीज सर, 7 एनिमीज, 7 दुश्मन, ये क्या चीज़ है बताएंगे बेटा। ऐसा कोई टॉपिक आपको देखो अपनी बुक में तो नहीं मिलेगा, ये मेरे दिए हुए नाम है इन टॉपिक्स को, ताकि पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो जाए और हमें मेमोराइज भी रहे, याद भी रहे। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्लियर सर। और क्या पढ़ेंगे हम सर जी, 7 एनिमीज के अंदर दो चीज़ें होती है बेटा, जब 7 एनिमीज को मार दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। देखो दो ही चीज़ें हैं, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है जी, तो यानी सर क्या होगा जब मार दिया जाए, मार दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्या मतलब होता है सर बाद में देखेंगे, या फिर क्या होगा सर जब छोड़ दिया जाए, मतलब इनको ना मारा जाए। ठीक है जी, तब क्या होगा सर, तब भी तब देखेंगे, अभी क्यों टेंशन लेनी। क्लियर जी, वेरी गुड सर। 7 एनिमीज के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है बेटा, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर है। सो बेसिकली कितने टॉपिक हो गए सर, एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया, तीसरा टॉपिक ये हो गया, फोर्थ टॉपिक ये हो गया। चलो फोर्थ में हम सब पार्ट बना लेते हैं, फोर्थ का पार्ट ए, फोर्थ का पार्ट बी। ठीक है जी, और फिफ्थ टॉपिक ये हो गया। टोटल 5 और ए बी मिला के 6 आपके टॉपिक्स बनते हैं। इन 6 टॉपिक्स को मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्लियर है। सो आपको करना क्या बेटा, बस ध्यान से देखना है। 3 से 4 वीडियोस बनेंगी इसमें, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करूँगा, आधे घंटे की या 40 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी। फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप कॉमर्स को छोड़ सकते हैं, बेझिझक। दूसरी चीज़ सर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे हौसला मिलता है, आपके भाई को हौसला मिलता है, और जब आपके भाई को हौसला मिलेगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियोस और अच्छे से आपके लिए बना पाऊंगा। दूसरा, कमेंट में आप मुझे बता देना सर क्या आपको कमियां लगी हैं वीडियोस में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि आपका भाई आपको पढ़ा रहा है, कोई सर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है इवन देन, सो आप क्या कर सकते हैं सर, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे या तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल तो शायद मैं बेटा नहीं कर पाऊंगा, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। फिर भी अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में भी आपको क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे पिक लीजिए आप अपने क्वेश्चन की और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन विद वीडियोस भेज दूंगा। या आप टेलीग्राम चैनल है हमारा वीके क्लासेस के नाम से, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, उस पर काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सर उस पर क्विज होते हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, आपके अकाउंट से रिलेटेड, जो MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उससे रिलेटेड आपके MCQ ही वहाँ पे होते हैं, तो उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। मैं भी शायद डेली उसमें मैं 2 क्विज तो एटलीस्ट पोस्ट करता ही हूँ। अगर 2 क्विज की बात करें तो सर 20 क्वेश्चन हर रोज़ के हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहाँ से, बट डिपेंड करता है कि आप कितना करेंगे। ठीक है, और बेटा इतनी यूटिलिटी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, देन ट्रस्ट मी आप स्टूडेंट लाइफ में नहीं हैं।
ठीक है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो गेन करिए जी, नॉलेज गेन करिए जितना हो सके, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आई गारंटेड। ठीक है जी, क्लियर। चलिए सर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ऑलरेडी 5 मिनट की वीडियो हो गई है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर शुरू कीजिए फटाफट से हमारी पढ़ाई से रिलेटेड काम। बताइए सर कैसे कैसे क्या कुछ होगा। हाँ जी शुरू करते हैं। चलिए सर पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, व्हाट इज सेक्रीफाइस एंड व्हाट इज गेन। कैसे कैलकुलेट करना है वो एक बात की बात है, पहले मैं आपको बता देता हूँ सर ये होता क्या है। ये तो बताओ सर होता क्या है, कैलकुलेशन तो बाद में होगी, पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। सर एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, समझे। मैं कहता हूँ जी दो पार्टनर थे, एक का नाम था जी सुखी लाल, ठीक है, एक का पार्टनर का नाम था जी सुखी लाल, ये हंसता रहता था। एक और पार्टनर था जी इनका, इनका नाम था जी दुखी लाल, पार्टनर सुखी लाल और दुखी लाल, ये दो पार्टनर थे और इन्होंने अपनी जो है फर्म बना रखी थी बेटा सुखी दुखी एंड कंपनी, ठीक है जी, सुखी दुखी एंड कंपनी के नाम से फर्म बना रखी थी। अब एग्जांपल के तौर पे जी ये अपना प्रॉफिट बांटते थे बेटा 2:1 में, 2:1 में प्रॉफिट बांटने का मतलब है जी प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाते थे, 2 हिस्से सुखी लाल जी को और 1 हिस्सा दुखी लाल जी को चला जाता था। सर समझ आ गया, ठीक है सर जी। इनके फर्म में प्रॉफिट हुआ जी 12 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर, ठीक है सर 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए इनके हिस्से में प्रॉफिट कितना आता होगा। सर प्रॉफिट आता होगा सुखी लाल जी के हिस्से में, हम कहते हैं जी 12 × 2/3, और यहाँ पर दुखी लाल जी के हिस्से में कहते हैं जी 12 × 1/3, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया जी, यहाँ पर प्रॉफिट आ गया सर 8 रुपये और यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया सर 4 रुपये। यहाँ तो कोई डाउट किसी का नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है सर। एक दिन दुखी लाल जी कहने लगे, मैं भी तो बराबर की मेहनत करता हूँ तेरी फर्म में, मैं भी तो उतना ही काम करता हूँ, मैंने भी तो उतना ही पैसा लगा रखा है, तो मुझे प्रॉफिट कम क्यों, आपको प्रॉफिट ज़्यादा क्यों गुरु। तो सुखी लाल जी ने कहा चलिए आज के बाद हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वल बांट लेंगे, बराबर बांट लेंगे, ठीक है जी। अब सुखी लाल और दुखी लाल जी के बीच में प्रॉफिट की रेशो हो गई जी 1:1, ठीक है। अब से वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे जी, इक्वल बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, क्लियर है। हाँ जी सर इतना समझ आ गया, अब कैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं 1:1 में। सर जी अब अगर ये 12 रुपये का प्रॉफिट बांटने लगे तो बताओ इनके हिस्से में कितना आएगा। सर बहुत इजी है, सुखी लाल जी के हिस्से में 6, दुखी लाल जी के हिस्से में 6। पहले कितने आते थे, 8 रुपये सुखी लाल जी को, 4 रुपये दुखी लाल जी को, अब कितना रहे, 6 सुखी को, 6 ही दुखी को, क्लियर जी। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो सुखी लाल जी को तो 2 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो दुखी लाल जी को 2 रुपये का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। बेटा इसका मतलब है देखो, जब 2:1 था और उसके बाद 1:1 हो गया, सर इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर दुखी लाल जी का शेयर बढ़ गया तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा किसको, सुखी लाल जी, ठीक है जी। अगर दुखी लाल जी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो अपने यहाँ से किसको हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, हिस्सा छोड़ना पड़ा जी सुखी लाल को। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आएगा तो किसी ना किसी प्रॉफिट को तो अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे को हिस्सा मिल जाएगा, क्लियर है। इसी को बोलते हैं बेटा सेक्रीफाइस ऑफ गेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लॉस है एक्चुअल में इसको क्या बोला जाएगा, सेक्रीफाइस बोला जाएगा, ठीक है सर। ये जो प्रॉफिट है इसको क्या बोला जाएगा, एक्चुअल में गेन बोला जाएगा, क्लियर जी। दोनों के फॉर्मूले हैं सर, फॉर्मूले हमने लगा भी दिए, देखो हमें पता भी नहीं है हमने कैसे निकाला। सर हमने ये इस तरीके से निकाला, जो ओल्ड शेयर उनको मिलता था, पुराना जितना मिलता था माइनस में कर दिया सर, जितना भी न्यू इनको मिला, ठीक है। देखिए जितना ओल्ड मिलता था और जितना अभी न्यू मिला, पहले ओल्ड कितना मिलता था 8 और अभी न्यू कितना मिला जी 6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जी, 8 - 6 यानी ओल्ड माइनस न्यू, ये हमारा क्या आ गया जी, सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है जी। ये देखो सेक्रीफाइस आ गया, क्लियर है। हाँ जी सर, तो सर फॉर्मूला क्या हो गया, सर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हो गया हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ जी सर इतना समझ आ गया हमें। और सर गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, गेन का फॉर्मूला बेटा जस्ट इसका उल्टा है, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, क्लियर। चलिए अब एक और मजे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर जी एक और मजे की बात बताइए, मैंने मजे की बात ये है, आपको हमेशा सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला ऐसे पता नहीं लगाना होगा कि किसका सेक्रीफाइस होगा किसका गेन होगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। आपको क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला चूज करो, चाहे तो आप फॉर्मूला सेक्रीफाइस का चूज करो चाहे गेन का चूज करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला उठाता हूँ। सर इससे क्या होगा, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, सर अगर आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, इट मीन्स इट्स योर सेक्रीफाइस, ये क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस,
क्लियर सर, अगर आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब ये क्या जी, गेन है। क्लियर सर, इसी तरीके से अगर हमने गेन का फॉर्मूला लगाया, गेन का फॉर्मूला है जी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, आंसर आया जी पॉजिटिव में तो इसका मतलब ये है जी गेन मेरा, लेकिन आंसर आ गया सर नेगेटिव में तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी, सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको दोनों फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एक फॉर्मूला पिक करो, उसी में देखो जी आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर आंसर आपका पॉजिटिव है तो वो जो जिसका फॉर्मूला आपने लगाया था वही चीज़ निकलेगी, अगर नेगेटिव आता है तो अपोजिट। ठीक है जी, जैसे सेक्रीफाइस में अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आया तो गेन। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, और सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं बेटा। सेकंड टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका मतलब सर हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। हाँ जी, सेक्रीफाइस एंड गेन खत्म हो चुका जी, आपको अब दोबारा इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं और जो भी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है जी, वेरी गुड सर। सर सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें सीखनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, हाउ टू वैल्यू द गुडविल। क्लियर सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप ये समझो गुडविल तीन तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है जी, एक को बोलते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, दूसरे को बोलते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे को बोलते हैं जी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, नाउ तीन तरह के आपके वैल्यूएशन के तरीके हो गए, पहला है जी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है जी सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड फाइनल इज कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर दो पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन में दो तरीके से होते हैं, या कैपिटलाइजेशन एक होता है जी ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी इसका। ठीक है जी, दूसरा होता है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी इसका। ठीक है जी, एक कैपिटलाइजेशन होगा एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा कैपिटलाइजेशन होगा जी सुपर प्रॉफिट का। वेरी गुड, बहुत इजी है सर ये तो, बहुत इजी बताया आपने। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी एवरेज प्रॉफिट मेथड को, एवरेज प्रॉफिट मेथड को। ठीक है जी, ये आपके नोट्स बनने में आप रिकॉर्ड करते रहे नोटबुक पेन लेके। ठीक है, आपको काम आएंगे फ्यूचर में। ठीक है सर, गुडविल का फॉर्मूला होता है इसमें, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, ये वाली चीज़ ये आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रहती है सर, गिवन रहती है। ठीक है, ये क्या रहती है जी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहती है सर, हमें इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। आपको वो बोलेगा टू नंबर ऑफ ईयर परचेज पे है या थ्री नंबर ऑफ ईयर परचेज पे है या फाइव ईयर नंबर ऑफ परचेज पे है, आपको क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी सर इसके लिए बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं सोचना इसमें, क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। क्लियर? हाँ जी सर। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से। बेटा जी सारी मेहनत आपको करनी है तो क्या फाइंड आउट करने के लिए करनी है, एवरेज प्रॉफिट, इसको आपको क्या करना पड़ेगा जी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने ये कर दिया गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बोलता है जी नंबर ऑफ ईयर परचेज टू है और आपका एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 5000। ठीक है, तो बताओ गुडविल की वैल्यू क्या होगी। सर इतना तो हमें आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10000 गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। इजी है, बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, बस इतना ही करना है आपको, करना क्या जी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन मिलेगा, फाइंड आउट क्या करना है आपको सर, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर लेंगे जी, क्या दिक्कत है सर, वो कैसे करेंगे वो चीज़ हमें समझा दो। एवरेज प्रॉफिट, रुको भाई रुको, वही तो आपको करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए तो वीडियो बनाई है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे। वेरी गुड। ठीक है जी, जो बच्चे अभी तक ये क्लास को देख रहे हैं थम्स अप फॉर देम। ठीक है, थम्स अप नीचे कमेंट में थम्स अप जरूर देना। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक क्लास देख लिया है, ऑलमोस्ट 14-15 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। ठीक है, जो अब तक जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो पढ़ना चाह रहे हैं, थम्स अप फॉर देम। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा और बहुत दिलदार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ करना चाहते हैं जी, तालियां बजा रहा हूँ मैं उनके लिए। ठीक है सर जी, एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा जी। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं सर, एक को बोलते हैं जी सिंपल प्रॉफिट बोल दिया मैंने सिंपल एवरेज। ठीक है जी, एक को क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल एवरेज। दूसरे को बोलते हैं जी वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। ठीक है,
सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। बट आप सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या होता है, देखो जब हम सिंपल प्रॉफिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, सिंपल एवरेज ठीक है प्रॉफिट्स का, तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2016 का प्रॉफिट दिया है, 2017 का प्रॉफिट दिया है, 2018 का प्रॉफिट दिया है, ये दिया जी आपको 3000, ये दिया जी आपको 6000 और ये दिया जी आपको 9000। आपको बताया गया ये सिंपल एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है आपको प्रॉफिट दे दिया 2016 का प्रॉफिट दे दिया, 2017 का प्रॉफिट, 2018 का प्रॉफिट। अब आपको बोला जी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे, सर आसान है सिंपल एवरेज फाइंड आउट करना बहुत आसान है, कैसे सर 3000 प्लस करेंगे इसमें 6000 प्लस करेंगे जी 9000 और डिवाइड कर देंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, 2, 3 ठीक है 3 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है कितना आ गया जी देख लो 18000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया जी 6000, ये आ गया जी एवरेज, आसान था इसमें क्या था जी, ठीक है जी सर इतना समझ आ गया। अच्छा कई बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, वो कहते हैं सर अगर ये 3000 का प्रॉफिट ना हो गया लॉस हुआ तो बताओ क्या करें, बेटा माइनस कर दें क्या दिक्कत है, ठीक है तो तब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सर ये 3000 माइनस का हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे जी 6000 प्लस करेंगे जी 9000 ठीक है, अब कितना हो गया जी 6 में से 3000 गए बचे जी 3000 और 3 और 9 कितना हो गया जी 12000, तो 12000 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, वही 3 से ही डिवाइड करना आपको, लॉस वाले को छोड़ना नहीं है, तो इस बार कितना एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 4000, ईजी था, इसको क्या बोलते बेटा सिंपल, सर इसका मतलब सिंपल एवरेज तो सिंपल है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चा, सिंपल एवरेज तो सिंपल है उसमें कुछ है ही नहीं, सर समझ आ गया सिंपल एवरेज, बताओ जी वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज बेटा वेटेड एवरेज क्या होता है, जहाँ पर हम वेट्स प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को, ठीक है जी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट को, क्लियर है सर समझे नहीं, समझाता हूँ बेटा वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2016 का, 2017 का, 2018 का, क्लियर सर ये है मेरे ईयर, ये मेरे को ईयर दिया होगा ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होगा, यहाँ पर बेटा आपको वेट्स लेनी है, इंपॉर्टेंस लेनी है, वेट्स लेनी है भार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और यहाँ पे बेटा आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्लियर सर कहने का मतलब नहीं समझे हम, मतलब मैं समझा रहा हूँ बेटा, मतलब समझाने के लिए तो बेटा आप सिंपल सी भाषा में इतना कह सकते हैं सर क्वेश्चन के अंदर आपको दो डेटा गिवन होंगे, दो डेटा हमेशा गिवन मिलेंगे, कौन कौन से दो डेटा सर, एक तो ईयर ऑफ प्रॉफिट कौन से साल का प्रॉफिट है, और एक प्रॉफिट भी गिवन मिलेगा, ठीक है आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक वेट का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है जी चलो मैं प्रॉफिट वही उठा लेता हूँ 3000 का, इसको प्रॉफिट ही मैं मान लेता हूँ 3000 6000 और 9000, प्रॉफिट है जी मेरा 3000 6000 और 9000, ये मेरा प्रॉफिट है सर, क्लियर ये दो डेटा बेटा आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जब भी वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना होगा, कंफ्यूज मत होना बेटा कहाँ चल रहा हूँ, इसके फ्लो को याद रखना क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बताता हूँ आपका क्या कर रहे थे जी, हम कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सर तीन मेथड मैंने आपको बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन के फर्दर दो पार्ट किए थे जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, क्लासीफाई कर दिया था, उसके बाद मैंने पहला टॉपिक पिक किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड को, गुडविल का फॉर्मूला बताया था, गुडविल का फॉर्मूला ये था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू में एवरेज प्रॉफिट, मैंने कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन मिलेगा, आपको करना क्या चाहिए हमें फाइंड आउट करना सर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं सर, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज, फिर से सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, वेरी गुड सीख गए ना, एवरेज प्रॉफिट दो तरीके के, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, तीन बार बोलो मेरे साथ, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, वेरी गुड ठीक है जी सर, सिंपल एवरेज को फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका, जितने भी साल का प्रॉफिट है, यहाँ मैंने तीन का एग्जांपल लिया था, पांच का दिया हो तो पांचों का ऐड कर दो नंबर ऑफ ईयर, यानी पांच से डिवाइड कर दो, क्लियर जी जितने भी साल का प्रॉफिट है सर ऐड करो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, ऐड करो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, लॉस हो जाओ सर लॉस हो तो माइनस कर दो, क्या दिक्कत है कोई डाउट यहाँ पे नहीं सर। सर वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज में बेटा आपको चार कॉलम प्रिपेयर करना होता है, चार कॉलम बनाने होते हैं, कौन से चार कॉलम सर, पहला जो कॉलम होगा चलो मैं इसको हटा देता हूँ, जो हमने ये खिचड़ी पका दी सर, पहला जो कॉलम है वो जी ईयर का, कौन से ईयर का प्रॉफिट है, दूसरा जो कॉलम है सर कितना प्रॉफिट है, तीसरा जो कॉलम है वो वेट्स के लिए, फोर्थ जो कॉलम है प्रोडक्ट के लिए, दो कॉलम आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, एक ईयर का दूसरा प्रॉफिट का, ईयर का एंड प्रॉफिट का, ये दो डेटा बेटा आपको हमेशा गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है जी। हाँ जी सर, ईयर भी गिवन है प्रॉफिट भी गिवन है सर, वेट्स लेंगे आप, वेट्स कैसे लेंगे, वेट्स हमें या तो क्वेश्चन में दी हो सकती है अकॉर्डिंगली लेंगे, नहीं दी तो मेरे अकॉर्डिंग लेंगे आप, ठीक है कैसे सर, सर जी जो लेटेस्ट ईयर है, लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट कौन सा सर, लेटेस्ट है जी 2018, 2016 तो बहुत पुराना हो गया ना सर,
पहले का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो लेटेस्ट कितना है आपका सर? लेटेस्ट ईयर है हमारा कितना, 2018। इसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। कितने जी, 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट है, 3 सालों में से सबसे ज़्यादा नंबर 3 है जो लेटेस्ट ईयर को दिया जाएगा, यानी 3, ठीक है। उससे कम वाले को उससे कम, उससे कम वाले को उससे कम, यानी 1, 2, 3, ठीक है जी। वेरी गुड सर। सर प्रोडक्ट करना है हमें, प्रॉफिट का और वेट्स का मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रॉफिट के और वेट्स के मल्टीप्लीकेशन को, गुना करने को प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है जी। कीजिए 3,000, 12,000 और 27,000, क्लियर सर। अब क्या करना है सर, अब टोटल करना है बेटा, आपको टोटल करना है, टोटल ऑफ वेट्स एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ वेट्स देखते हैं जी कितना आ गया मेरे पास, आ गया जी ये 27,000 और 33,000 और 42,000, ठीक है सर। सर वेट्स का टोटल कितना आ गया सर? 6,000। सर जी बस हो गया क्वेश्चन, वेटेड एवरेज, हाउ टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज। सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, तो ये आ जाएगा जी मेरा 7,000, ये मेरा वेटेड एवरेज होगा सर। कित क्या होगा जी वेटेड एवरेज, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर कोई डाउट नहीं। सर जी अगर मैं इस वेटेड एवरेज को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दूँ, इधर ये वाले फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट की जगह पुट कर दूँ, तो मेरी क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। हाँ जी सर जी, क्वेश्चन में जब वेटेड एवरेज के लिए बोला गया हो ना, ओनली सिर्फ तभी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आपको हमेशा सिंपल एवरेज फाइंड आउट करना है, क्लियर। हाँ जी सर, जब क्वेश्चन बोले तब वेटेड, अदरवाइज सिंपल, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर कोई डाउट, क्लियर। सर मेरा लगभग एक टॉपिक पूरा हो गया आपका, ठीक है। इसमें एक छोटी सी मुझे बात और बतानी है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर नोट में लिखना दैट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर शुड बी मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्लियर जी। हर साल का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए जी? मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, क्लियर। सर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला बता, करंट प्रॉफिट मतलब, या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं, जो उस साल का प्रॉफिट एक्चुअल में आपको गिवन है, ठीक है। उसमें बेटा ऐड करते हैं हम अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस ये चीज़ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो भी अबनॉर्मल लॉस आपका रहा होगा उसमें लेस कर दें बेटा अबनॉर्मल प्रॉफिट, माइनस कर देते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। और एक चीज़ और लेस कर दें बेटा उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं बेटा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर एक्सपेंस, ये चीज़ भी मैं उसमें से क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी। हमारा पास आ जाता है जी मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, क्लियर। सर मतलब नहीं समझे, मतलब समझाओ बेटा। सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में बेटा जो प्रॉफिट होता है हर साल वो 10,00,000 रुपए का होता है, 10,00,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इस साल मेरे गोडाउन में आग लग गई और आग लगने से पूरा मेरा स्टॉक जो है वो जल के खत्म हो गया, आग लग गई जी मेरे गोडाउन में। सो सर आग लगने से स्टॉक खत्म हो गया और वैसे मेरा प्रॉफिट होता 10,00,000, इस साल मुझे 6,00,000 का नुकसान हुआ उसकी वजह से, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा सर? 4,00,000। कमा कितना लेता हूँ सर? कमा लेता हूँ 10,00,000, लेकिन इस साल आग लग गई, 6,00,000 का नुकसान हुआ, 4,00,000 का प्रॉफिट बचा। तो आप बताइए बेटा, क्या आप ऐसा बोलेंगे कि हर साल आग लगेगी हमारे बिजनेस में? नहीं। आपका बैठो नहीं आग लगे हमारे बिजनेस में? नहीं सर। आग लगने वाली घटना अब नॉर्मल किस्म का लॉस होता है, यह आपके अर्निंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं डालती जनरली, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी पे फर्क नहीं आ रहा, इसलिए हम उस लॉस को लॉस नहीं मानते, वापस से ऐड कर देते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कितना मेरे फर्म का प्रॉफिट मेंटेन हो सकता है, 10,00,000, ठीक है। वो वाला प्रॉफिट मुझे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए पिक करना होता है, ठीक है जी। हाँ जी सर, इसी तरीके से सर अब नॉर्मल प्रॉफिट जो इस साल हो गया, क्या वो जरूरी है हर साल प्रॉफिट होगा? इस साल सर लॉटरी लग गई, लॉटरी लगने से हमारा 20,00,000 का फायदा हो गया, जरूरी है सर अगले साल भी लगेगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी। तो इसको मैं बिजनेस के ऑपरेशन में शामिल नहीं करता और उसको मैं हटा के चलता हूँ, ठीक है सर, इसलिए उसको माइनस कर देता हूँ।
नेक्स्ट तीसरी बात है जी, व्हाट इज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस। बेटा ये वो खर्चे हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे लेकिन इन फ्यूचर हर साल करेंगे, हर साल करेंगे। बेटा जी अब अगर हर साल कोई खर्चा करेंगे तो मतलब हर साल के प्रॉफिट में से उतना जो अमाउंट है वो माइनस हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे गोडाउन में आग लगी, मुझे अक्कल लगे या मैं इंश्योरेंस कराऊंगा और हर साल 20,000 रुपये का इंश्योरेंस होगा मेरे गोडाउन का और 100% करवाऊंगा मैं ये। ठीक है जी सर, इसका मतलब है कि अब जो है वो 20,000 रुपये का खर्चा आपका हर साल लगेगा और हर साल आपके 20,000 रुपये कम हो जाएंगे प्रॉफिट से। इसलिए मैं वो क्या करता हूँ बेटा, इसलिए मैं उसको माइनस करके चलता हूँ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट को। हाँ जी सर, समझ आ गया, वेरी गुड। सो बेटा इतना आप आज के फर्स्ट लेक्चर के लिए कर लेंगे। ओनली 25 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, एक ही टॉपिक कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ मैं ये वाला टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए। 25 मिनट ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना रहा, नहीं तो आप सब छोड़ के भाग जाएंगे मुझे। अगर फेस टू फेस होते तो मैं आपको 1.25 घंटा पढ़ा सकता था। ठीक है, बट सर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको फटाफट से कवर करना है तो आप मुझे इसी टाइम ये वीडियो रोक के आप नेक्स्ट वीडियो पे जाके और फर्दर लेक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं वो नहीं करवाना हो। सो इतना आपको समझ आया होगा, इतनी नोटिंग आपको समझ आई होगी। ये मेरा नंबर है बेटा, ठीक है, वीके क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, सो सर नाम तो बता दीजिए। नाम बेटा मेरा विशाल गोयल, विशाल गोयल। सो बेसिकली आप सी ए फाइनलिस्ट एज वेल एज सी एम ए फाइनलिस्ट, बी कॉम ग्रेजुएट हूँ मैं। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ। सो जहाँ तक हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन कॉल मी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ तो। और जितना हो सकेगा आपका ये भाई आपकी हेल्प करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जो भी आपको लेक्चर चाहिए, जिस भी वीडियोज़ पे, जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं वो लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।